ईवीएम मशीन का हम पुरजोर विरोध करते हैं। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है उसके अंदर सुनने को आया कि वीवीपैट भी लगा रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं ये यंत्र मानव द्वारा निर्मित है, इसके अंदर कुछ भी सेट किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप उसमें फिक्स कर देंगे वो चीज अपने समय पर, उसने अपना काम करना ही करना है। अब कुछ दिनों के बाद हमारे देश में चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश की जो अधिक से अधिक जो जनसंख्या है वो गांव में बसती है, जिसको हम 80% के करीब उसको आंकते हैं। हमारे देश की जनता के साथ ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि एक अत्याचार हो रहा है, लोगों की जो चाहत है उस प्रकार का चुनाव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अभी स्वामी जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह पर 40 वोट पड़े, जिनमें से एक प्रत्याशी को 36 वोट गई और 4 वोट जो है केवल उसके, जबकि वो 40 के 40 वोट उसके घर परिवार की ही वोट थी। और इस प्रकार का जो नियंत्रण है, ये जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है उसके अंदर जो धांधलीबाजी हो रही है, इससे हमारे देश की जो लोकतांत्रिक शक्ति है उसको खतरा पैदा हो रहा है। क्योंकि लोकतांत्रिक में जो व्यक्ति को अच्छा समझते हैं उसको हम आगे लाना चाहते हैं, वो नहीं आ पाता है। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको कोई तकलीफ होती है, बीमार हो जाता है, तो एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढना चाहता है। तो हम चाहते हैं, ये देश की प्रजा चाहती है, क्योंकि हमारे पास लोगों के फोन आए हैं कि भाई हमें इस बार बिल्कुल पारदर्शिता के साथ इलेक्शन करवाना है, वोट डलवानी है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है उसके अंदर सुनने को आया कि वीवीपैट भी लगा रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं ये यंत्र मानव द्वारा निर्मित है, इसके अंदर कुछ भी सेट किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप उसमें फिक्स कर देंगे वो चीज अपने समय पर, उसने अपना काम करना ही करना है। तो ये एक जनता के साथ, भारतीय जनता के साथ धोखा है। इस धोखे से हमें पारदर्शिता की ओर जाना है और लोगों को ये आश्वस्त करना है कि चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है स्पेशल, वो इसको सही रूप से इसको जनता तक पहुंचाए, क्योंकि जनता के हित की बात है। अगर हम देश के नागरिक होने के नाते अगर हमको अपने हक अधिकार अगर नहीं प्राप्त होते हैं और हमारे साथ अन्याय होता है, तो उसके लिए हम चुनाव आयोग को ही दोषी ठहराते हैं। इसलिए ईवीएम मशीन की अब भारत में कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अमेरिका चाइना द्वारा जो मेड है ये आइटम इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो देश अपने देश के अंदर क्यों नहीं कराते इस मशीन से, वो नहीं कराते हैं, हमारे देश के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है। इसलिए ईवीएम मशीन का हम पुरजोर विरोध करते हैं और ईवीएम हटाओ देश बचाओ, हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक डॉक्टर जो है इलाज के लिए जाते हैं, तो उसको इलाज चाहिए तो अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना है। तो हम लोकतंत्र के लिए एक अच्छा शासन प्रणाली चुनना चाहते हैं। उसके लिए मेरा निवेदन है पूरे भारत के नागरिकों से कि आप सजग हो और ईवीएम का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। आने वाले चुनाव के अंदर आप सब एकत्रित होकर के एक ही आवाज कहें कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इसके साथ साथ गौ माता को भी बचाना है, क्योंकि गौ हमारी माता है, हम माता भारत भू माता को भी, भारत को भी भू माता कहते हैं, इसलिए भारत माता को रक्षित करने के लिए ये जरूरी है। प्रकृति केंद्र प्रकृति है, धरती नदी धरती गंगा गौ माता, इसको बचाना हम सबका कर्तव्य है।